हाँ अक्षरा, मान तो गए हैं लेकिन खुश नहीं। पता है मुझे नैतिक, तभी तो दादाजी ने इतनी बड़ी बात मान ली। इतना आसान नहीं होता इस उम्र में अपने नजरिए को बदलना। आपसे बहुत प्यार करते हैं वो, तभी तो आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील करें। आई नो अक्षरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी सिचुएशन ऐसी पैदा ही ना हो जिससे उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो। कल आपके फ्रेंड आ रहे हैं तो तैयारियां भी करनी पड़ेंगी ना। आप अपने फ्रेंड की पसंद नापसंद कुछ तो बताइए। अच्छा, जब तक हम लोग अमेरिका में साथ में थे तो उसके टेस्ट के बारे में तो मुझे सब कुछ पता था, लेकिन अब जब से वो लंदन गया है तो हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो गया। किसी भी बात को वो कभी भी सीरियसली लेता नहीं था अक्षरा। बात बात पे चिल डूड यही करता रहता और खुद भी बहुत चिल्ड आउट ही था। आपको पता है यूनिवर्सिटी में जब हम लोग एक साथ थे ना तो बहुत सारी शरारतें किया करते थे। प्रिंसिपल हमें बहुत पनिशमेंट दिया करते थे और उसके फैमिली मेंबर्स मेरे गार्डियन बनकर मुझे सपोर्ट किया करते। और उनकी मंगेतर? उसके बारे में पूछना तो मुझे याद ही नहीं रहा। वैसे नैतिक, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई खास तो आता ही है ना। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई आई होगी। अब कभी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं और, बताइए ना कौन थी वो। एक्चुअली अक्षरा, सिर्फ बहुत हैंडसम था और मैं बहुत नॉर्मल लुकिंग, तो कोई भी खूबसूरत या स्पेशल लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। अच्छा स्पेशल और खूबसूरत लड़की, हद होती है नैतिक। इसका ये मतलब है कि ना ही मैं स्पेशल हूँ और ना ही खूबसूरत हूँ। मतलब मैंने आपसे प्यार किया, आपसे शादी की और आज मुझे पता चल रहा है कि मैं आपके लिए कुछ हुई नहीं। हाँ, जब से कोई बात करनी है। अरे अक्षरा, आपको तो पता है ना कि आप मेरे लिए क्या है। नैतिक, मुझे नहीं जाना, अपना काम कीजिए प्लीज और मुझे भी काम करने दीजिए। ठीक है, बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। फ्रेश फ्लावर्स, रूम फ्रेशनर, पेस्टल शेड के बेड कवर्स और चटपटा नाश्ता सब रेडी है। और कुछ? नो, थैंक्स। वैसे एक और चीज है, कहाँ रखा के जाने? हाँ, ये आपके फ्रेंड की फियांसी के लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके। अरे वाह, आपने तो एकदम प्रोफेशनल वेलकम की तैयारी कर दी। भाई, होटल वालों की बेटी हूँ। थैंक्स अक्षर, एंड सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। नैतिक, आप करें मैं करूं, बात तो एक ही है ना, हम दोनों में कोई फर्क थोड़ना है। राइट। लगता है आ गए। हाँ, लगता है आ गए। माँ, आ गए। आइए। डूड, मैं बता नहीं सकता तुझे यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है। सेम हियर डूड, सो नाइस टू सी यू। ये तेरे लिए। थैंक यू। देख ले भाई, तुझसे मिलने में लंदन से इंडिया फाइनली आ गया हूँ। थैंक्स सर। अरे वेज योर फियांसे। वेट अ सेकंड स्वीटहार्ट। कैसा लगा मैं सरप्राइज? आई कैन बेट तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मी एंड अंतरा विल हुक अप, राइट? एंड वी न्यू तू ऐसे रिएक्ट करेगा, इसीलिए तुझे फोन पे नहीं बताया। एक्चुअली अंतरा का ही आइडिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इस तरह कट ऑफ हो जाओगे यार।
I mean, no mail, no message, and don't give any excuse, हाँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सिद्ध के साथ टच में हो। चल, जवाब दे अब। इसको देख के तेरी हमेशा बोलती बंद हो जाती, right? आजकल वैसे मेरी भी वही हालत है यार। सिद, shut up, हाँ? Okay, okay. So Nathan, so good to see you. Come, meet my family. How? I already know your family. Come. आप सबकी फोटोग्राफ्स थी ना इसके कमरे में? तो आज पर्सनली सबसे मिल ले। ओके। ये सिद्धार्थ। नमस्ते। राधे कृष्ण बेटा। सिद। ओह। जीते रहो बेटे, जीते रहो। और ये है अंतरा। This is so bad, Nathik. तुमने अपनी फैमिली को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। आंटी, मैं इन लोगों के साथ इनकी क्लास में ही पढ़ती थी। झूठ बोल रही है आंटी ये। वो क्या है ना, हमारी क्लास में कोई पढ़ता ही नहीं था, सब तो मस्ती करते रहते थे सिवाय इस मोटू के। यार तू वैसे काफी पतला हो गया है यार। I'm sure. इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है, राइट अक्षरा? सर। अच्छा यार, नहीं था तू मोटा, ओके? भाभी माँ, बहू का नाम ले रहा है, भाभी कहना चाहिए। अंतरा, आई एम अक्षरा, नैतिक्स वाइफ। सॉरी, मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। इट्स ओके नैतिक। हाय अंतरा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। थैंक यू। एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना सिद? देखो अक्षरा कितनी प्रिटी है, नैतिक लकी गाय, कितनी प्यारी वाइफ है तुम्हारी। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आइए ना, अंदर आइए। माय गॉड, सिद देखो ना, ही इज सो क्यूट, सच अ क्यूट बेबी। आई नो यार, बिल्कुल मेरी तरह। हे, बट उसके गाल मत खींचने लग जाना जैसे मेरे खींचती हो। He's just a baby, okay? Come on, sit, please. But he's so cute. देखो ना, इसके गाल, किसका baby है ये? He's our son. What? I mean, अभी तो तेरी शादी हुई थी, इतनी जल्दी तू पापा भी बन गया? और तूने मुझे बताया भी नहीं ना? Surprise. But he's really cute, हाँ? और इसकी गाल तो देखो, गोल गोल से, बस मन करता है पकड़ के किस करते रहो। क्या नाम है इसका? Naksh, meaning Nethik, and Akshara. Oh, that's very romantic, huh? And who would this be? I mean, कौन है? ये है चिक्की। No, my name is Prerna. लेकिन सब लोग मुझे प्यार से चिक्की बुलाते हैं। Bye मुन्ना, bye Akshara, bye मेरे चूचू। चिक्की बेटा, संभल के जाना हाँ, शमशेर छोड़ के आएगा। हाँ। ठीक है आंटी, bye. आप आइए ना, अंदर आइए। आइए। Come sir. गिरजा, डुगू माँ को दे दो, तुम मेरे साथ अंदर चलो। बहू, बेटा तू यहाँ बैठ ना, नाश्ता तो हम देख लेंगे। हा? नहीं नहीं माँ, आप रुके, हम जाते हैं। आओ गिरजा। हे भगवान, महाराज जी की जगह मुझे मलेरिया हो जाता, आराम और खातिरदारी तो होती, ऊपर से मेहमान लोग और आ गए, अब तो और काम बढ़ गया। रात भर चिंता के मारे नींद नहीं आई थी, एक हफ्ते में ऐसा नुकसान, वो भी दो बार, ये ठीक नहीं है। हाँ दादा, बात तो सच में बहुत चिंता की है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। खूब थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो हर धंधे में होता रहता है, ये जो हुआ है ना, इसने हमें हिला के रख दिया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस छोटे से सौदे में। इतना अच्छा मुनाफा हो जाएगा। वैसे लोग अच्छे हैं ओमी, इनके साथ काम करने में कोई हर्जा नहीं। जी, मैं उन्हें बता देता हूँ। एक मिनट दादा, मैं मैनेजर साहब को फोन करके आया। इसे विज्ञापन की तरह मत हंसी, नकली लगता है। जी देखिए,
आज तक मैंने आपके काम में कभी भी कोई दखल नहीं दिया और ना ही कभी दूंगी। हाँ, जो मेरे लिए मायने रखता है वो है आपकी सेहत और आपकी खुशी। बस जिस काम में ये दोनों मिल जाए मेरे लिए तो वही फायदे का काम है। लेकिन आज ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? ऐसे जी, कभी कभी तो आप अपने काम की बातें बताते हैं मुझे, वो दूसरी बात है मैं समझूं या ना समझूं। आपके मन की बात को सुन तो सकती हूँ ना? वाओ डूड, इतनी सारी चीजें यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या खाऊं इसमें से क्या ना खाऊं। प्लीज जो भी खाना ये सोच के खाना कि पेट तुम्हारा ही है और यहाँ बाकी बहुत सारे लोग हैं। ओके, एक बात बताऊं आंटी, जब नैतिक यूएस में था ना तो बात बात में हमें बोलता है मेरे घर में ये बनता है, मेरे घर में वो बनता है, और हम लोग इस बेचारे का इतना मजाक बनाते थे ना। अबे तेरा घर है, रेस्टोरेंट है, हमेशा खाना बनता रहता है वहाँ पे। वहाँ पे ना किसी के पास इतना टाइम नहीं कितना एलैबोरेटली खाना बनाए, मैक्स टू मैक्स ना हम लोग एक डिश बनाते हैं, वरना मोस्टली बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ऑनेस्टली आंटी, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, जो भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है ना हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ बताएं, वरना हमने फ्रेंड्स के साथ। सही बोल रहा हूँ ना हनी? जमाना कितना बदल गया है ना छोटी दुल्हन, देखो तो जरा, जरा भी लिहाज नहीं है कि बड़े सामने बैठे हैं। भाभी माँ, ब्याह से पहले दोनों एक साथ रहते हैं तो उसके आगे और कोई बात क्या मायने रखती है? शुक्र करो हमारा मुन्ना विदेश से ये सब सीख के नहीं आया। सच में? अरे नहीं अक्षरा, देखिए ये खाने की कोशिश कर रहा है, इसमें से क्या दूं? आप ना नैतिक कचौड़ी का मसाला निकाल दीजिए और ऊपर वाला सादा हिस्सा खिला दीजिए। हाँ This is so cute, नैतिक। I didn't know तुम्हें ये सब भी आता है। Well, I'm impressed. Dude, this is awesome, यार। Babe, ये बनाना सीख लेती। वहाँ पे चल के फिर मुझे बना के खिलाना, ठीक है? आंटी seriously बहुत tasty है। Please मुझे भी सिखा दीजिए। आंटी, please हाँ कह दीजिए ना। उसी बहाने से किचन में तो घुसेगी ये। Sid, वैसे I think you're forgetting। हमारे बीच में सब कुछ पहले से decide हो चुका है कि हम सारे काम आधे आधे बांट के करेंगे। इसलिए यू बेटर लर्न, तुम भी सीख लेना, क्योंकि नहीं तो अकेले तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैं आता हूं अभी, दवा खानी है मारे को, आप लोग नाश्ता कर लो। दादाजी मैं भी दफ्तर के लिए निकलता हूं, और मुन्ना तुम चाहो तो आज घर रह सकते हो, यहीं से काम कर लो, दफ्तर मैं संभाल लूंगा। अंकल जस्ट अ मिनट प्लीज, एक सेकेंड। नैतिक, इफ यू वॉन्ट टू गो, आई मीन प्लीज गो फॉर वर्क, आई मीन वी अंडरस्टैंड काम सफर नहीं होना चाहिए, राइट? और अक्षरा है ना हमारा ध्यान रखने के लिए, और फिर ये क्यूटी पाई भी तो है। एक्चुअली आई थिंक यू शुड गो। नहीं नहीं, इट्स ओके अंतर। अंकल आप प्लीज नैतिक को ले जाइए। कम ऑन नैतिक, यू डोंट हैव टू बी फॉर्मल, ये हमेशा ऐसे ही करता है, आई नो हिम टू वेल। अरे ये कचौरी ठंडी हो गई। नहीं आंटी, खा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ठंडी क्यों बेटा, मैं भी गरम गरम ला देती हूँ। हाँ चल, मैं भी तुझे मदद करती हूँ। नैतिक आपकी चाय। नैतिक कब से चाय पीने लगा? हाँ वे, तू तो चाय नहीं पीता था ना, इसके चक्कर में हम लोगों ने कॉफी पीनी शुरू करी थी। तूने कब से शुरू कर दी चाय? सेठ, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। Absolutely true यार, मेरे जैसा बंदा बदल गया यार। You know what अक्षरा, you don't know this, but college में ना मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था यार, I was a completely different guy. अरे I'm not kidding यार, ask him. लड़की और commitment से इतना दूर भागता था ना मैं, single था और खुश था बिल्कुल। अब देख लो, पपी बना हुआ हूँ लव में, पर क्या करें यार, फंसा जो लिया इन मैडम ने।
बेटा प्लीज शैतानी मत करो ना, जल्दी करो, मम्मा को स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना बेटा। हाँ चलो अभी तो आपको ब्रेकफास्ट भी कराना है, जल्दी करो। वर्षा मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके लिए तो क्या शौर्य, मेरे पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं है। अरे इतने सारे काम है ना, घर का, अनन्या का, और अब तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना स्कूल के, तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे। बस बस वर्षा इतने बहाने काफी हैं। आपको क्या लगता है मैं बहाने बना रही हूँ? सच में बाबा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ भाई ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ना हो। जैसे आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ ना, कल को तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे होगी, लेकिन तब मेरे पास टाइम नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है जो आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहेगा? अरे भाई मुझे भी तो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, जैसे जमाई सा ने लिए। तुम्हें पता है वर्षा, मैं जमाई सा के ऑफिस गया था, चारों तरफ नैतिक सर नैतिक सर नैतिक सर हो रहा था। नैतिक सर इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, नैतिक सर ये डील चेक कर लीजिए, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी उनके पास। आप बताओ कल अगर मैं भी ऐसे ही बिजी हो गया तो मैं स्कूल की नौकरी छोड़ दूंगी, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊंगी, बस फिर सारा टाइम आप ही के साथ बिताऊंगी, है ना सिंपल। पाजी वो राठी साहब से आपकी बात होगी, उन्होंने डिजाइंस देखी है? हाँ बेटा हो गई, अगले हफ्ते सैंपल भी आ जाएंगे। घर पे बैठे बैठे आज तो मैंने काफी काम निपटा लिया बाबूजी, और ऑनलाइन वाला काम तो लगभग हो ही गया है। मुन्ना अरे मेहमान कहाँ है, खाने का वक्त हो गया। मेहमान तो ये रहे दद्दा जी, आप बताइए खाना कहाँ पर है? दादाजी प्लीज आप हमें मेहमान मत समझिए, हम आपके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नैतिक और अक्षरा। आंटी जी वो मैं कुछ गिफ्ट्स लाई थी। क्या जरूरत थी बेटा, धन्यवाद। और तुम्हारे लिए भी कुछ है, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, माय प्लेजर। दादाजी ये आपके लिए। धन्यवाद। अब आप लोग बैठिए ना, खाना लग गया है। आप लोग? अब हम लोग बाद में खाएं, आप खाएं। नो नो इट्स ओके, आई मीन मुझे भी आप लोग के साथ फिर बाद में ही खाना चाहिए, राइट? नहीं नहीं प्लीज आप खाइए ना प्लीज। टू गुड आंटी, जिस खाने की खुशबू इतनी अच्छी है वो खाना कितना टेस्टी होगा, राइट? आई जस्ट कांट वेट। देखिए आंटी दाल बाटी। ओह तब तो आपने इसके साथ चूरमा भी बनाया होगा, राइट? और इस दाल में आपने नानी जी वाला सीक्रेट मसाला भी डाला होगा, है ना? हाँ बेटा, आपको कैसे पता? नैतिक ने बताया था, है ना नैतिक? हमेशा कहता था तुम जब भी आओगी तुम्हें दाल बाटी खिलाऊंगा। कहता था माँ स्पेशल दाल बाटी बनाती है, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसमें वो नानी जी का स्पेशल मसाला डालती है। वाह यार, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। वेट वेट वेट, मुझे एक और चीज भी पता है, मने ताए लोग गमे। ये भी नैतिक ने सिखाया आपको? हाँ, और भी बहुत कुछ बताता था नैतिक, अपनी फैमिली के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। वैसे एक बात तो है, इतने साल बाहर रहने के बाद भी आप हिंदी बोलती। थैंक्स टू हिम, इसका बात चले ना पूरे लंदन को हिंदी सिखा दे गए। एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को, कॉलेज में ये और अंतरना सिर्फ हिंदी में बात करते थे, वो बेचारे हमारे इंग्लिश स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं चलता था उनकी इंसल्ट हो रही है तारीफ हो रही है। अक्षरा अक्षरा खाना मुझे दे दीजिए, मैं इसे खिलाता हूँ। हाँ। अक्षरा प्लीज आज नक्श को मैं खिलाऊंगी, ओके? नहीं बेटा तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा, बहू खिला देगी। प्लीज आंटी प्लीज, मैं बाद में खा लूंगी, क्या फर्क पड़ता है, प्लीज मुझे नक्श को खिलाने दीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, बहुत शरारती हो गया हमारा लल्ला, तुमसे नहीं संभलेगा, हाथ पैर मार लेता है। आंटी प्लीज आंटी, मैं मैनेज कर लूंगी सीरियसली। अक्षरा प्लीज बोलो ना सबको, प्लीज। Really? Okay. So Naksh, आज हम साथ में खाना खाएंगे, right? Come on. तो नक्श को क्या पसंद है? अंकरा, ये लो। ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े इसे खिला। Okay. So ये नक्श का स्पेशल खाना है ना? नक्श खाएगा ठंडा ठंडा करके।
यार आज का तो पूरा दिन सोने में निकल गया। एक काम करते, कल घूमने चलते, जब भी आप लोगों के पास टाइम हो। ना ना, आप लोग जाओ, हमारा बड़ेगा की काम, वैसे भी बहुत जल्दी थकान हो जावे हमारे को। हाँ मुन्ना, बहू और तुम मेहमानों को घुमाओ फिराओ, दफ्तर की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जी बाबूजी। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।